हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवी गंगा से शिव पुत्र को छीन लाओ, अन्यथा उसका वध कर दो। क्यों रुक क्यों गए? पिताश्री, आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं कैसे जा सकता हूं? यशस्वी भव। अब लौटूंगा तो शिवपुत्र को साथ लेकर लौटूंगा, अन्यथा नहीं। नहीं कर सकता, मैं ये सहन नहीं कर सकता। तुम क्या कर रहे हो सुरेश्वर? गुरुदेव, मैं विनाश चाहता हूँ और समस्त लोगों का विनाश करके ही रहूंगा। मेरे साथ छल हुआ है गुरुदेव, छल हुआ है। मेरे मुंह तक आया ग्रास देवताओं ने मुझसे छीन लिया है। इसका दंड देवताओं सहित समस्त लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। जब समस्त लोग नष्ट हो जाएंगे तब शिव पुत्र की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और तुम अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकोगे, यही ना? अपने शिष्य को समझाइए भार्गव। तो तुम हमारे घावों पर नमक छिड़कने आई हो? नहीं भार्गव, मैं तो किसी को दुखी देखना भी नहीं चाहती हूँ। फिर भी आपने पक्षपाती बनकर मुझे दुखी कर दिया है। नहीं वत्स, बल्कि तुम्हारे आसुरी बर्ताव के कारण मैं दुखी हो गई हूँ। वत्स तारक, तुम और भार्गव, आप भी ये जान लीजिए कि प्रभु की बनाई इस सृष्टि को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तुम व्यर्थ प्रयास ना करो तारक, ये प्रयास तुम्हें केवल पाप का भागी बना देगा और ये पाप की बढ़ती हुई नैया तुम्हारी शक्तियों को क्षीण करती रहेगी। गंगे, मैं तारक की शक्ति को क्षीण होने दूंगा तब ना। भार्गव, आप तारकासुर को इस प्रकार का प्रोत्साहन देकर भ्रमित कर रहे हैं। विद्युन्माली और विशालाक्ष को भी आपने अपना तपोबल प्रदान किया था, क्या हुआ शिवपुत्र का वध कर सके आप? नहीं ना, जन और मरण आपके हाथ में नहीं है भार्गव। इसीलिए तारकासुर की शक्तियों के साथ साथ आप अपना तपोबल भी क्षीण न कीजिए। परमात्मा की लीला जानिए और मृत्यु पर विजय पाने का प्रयास छोड़ दीजिए, तभी तारकासुर तुम्हारा कल्याण होगा। और एक बात याद रखो वत्स, ये सारे आसुरी प्रयास मुझे स्वर्ग लोक से नीचे अवतरित होने के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं। यदि असुरों का कल्याण चाहते हो तो ये आसुरी प्रयास बंद करो। नहीं तारक, तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम महादेव।
आप आ गई देवी। आपने जो लीला रचाई थी उससे स्वयं महाज्ञानी महातपस्वी भार्गव शुक्राचार्य भी भ्रमित हो गए हैं। उस लीला का आनंद आपके मुखमंडल पर प्रतिबिंबित हो रहा है। हे देवी, आपकी ये लीला समाप्त हुई अथवा? प्रभु, लीला तो समाप्त हो गई है, परंतु। परंतु क्या देवी? प्रभु, मैं फिर से लीला रचाना चाहती हूँ। वो क्यों देवी? प्रभु, मेरा मन अब भी कुमार का वो नन्हा सा मनमोहक रूप देखना चाहता है। प्रभु, हमारी लीला से कुमार की बाल लीला अधिक मनमोहक मन भावन है, इसीलिए चाहती हूँ कि पुनः एक बार लीला रचाऊं और कुमार को अपने सीने से लगा लूं। हे देवी, आप तो ब्रह्मांड की शक्ति हैं, स्वयं महामाया है, आप अवश्य कोई लीला रचाइए, हम भी उसका आनंद लेंगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि लीला रचाते रचाते आप स्वयं माया के अधीन हो जाएं। वाह, अजय योद्धा, विद्युन्माली और विशालाक्ष का तारकासुर के कक्ष में स्वागत है। असुरेश्वर, अपने इन दोनों वीर पुत्रों का स्वागत आरती उतार कर कीजिए। कितना यश पाया है इन्होंने। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, इन्होंने तारक की मृत्यु को जीवन दान दिया है, इसीलिए मैं इनका सम्मान करूंगा, अवश्य करूंगा। पिताश्री, हम दोनों विवश थे। चुप रहो। शिव पुत्र को वश में लाकर भी विवश कैसे हुए? क्या शिव पुत्र को अंतरिक्ष से नीचे फेंक कर तारक की मृत्यु को मृत्यु नहीं दे सकते थे? आप भी तो अपनी मृत्यु की मृत्यु नहीं बन सके थे पिताश्री। तारकाक्ष, तुम? हां पिताश्री, आप भी तो सुरगंगा पहुंचे थे, परंतु शिवपुत्र का वध नहीं कर सके, आप भी विवश हुए थे उस समय। युवराज तारकाक्ष, तुम्हारी बातों से अपमान की बू आ रही है। नहीं गुरुदेव, ये मेरा कनिष्ठ पुत्र भला मेरा अपमान कैसे कर सकता है? क्षमा करें पिताश्री, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं। वास्तविकता तो यह है तारकाक्ष कि तुम मुझसे द्रोह कर रहे हो। नहीं पिताश्री, मैं अपने जन्मदाता से द्रोह कैसे कर सकता हूं? मैं तो आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं। आज्ञाकारी? क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? आप आज्ञा देके तो देखिए। अच्छा, तो जाओ देवी गंगा से शिव पुत्र को छीन लाओ, अन्यथा उसका वध कर दो। क्यों, रुक क्यों गए? पिताश्री, आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं कैसे जा सकता हूं? यशस्वी भव। अब लौटूंगा तो शिव पुत्र को साथ लेकर लौटूंगा, अन्यथा नहीं। क्या तारकाक्ष अपना वचन पूरा कर लेगा? नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। अब सृष्टि का कल्याण अवश्य संकट में है,
नारायण नारायण नारायण। तारकाक्ष शिवपुत्र को लेने निकला है और वो अवश्य शिवपुत्र को लेकर ही आएगा। अब उसे कोई नहीं रोक सकता देवेंद्र, कोई नहीं। क्यों देवर्षि, क्या भगवान स्वयं उसे रोक नहीं पाएंगे? भोलेनाथ ने स्वयं ही तो तारकाक्ष को वर दिया है कि संकट में वो स्वयं तारकाक्ष की रक्षा करेंगे। अब जब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे तो नारायण नारायण नारायण, वो जो चाहेगा पाएगा। देवर्षि, ये वरदान तारकाक्ष ने पाया कैसे? देवेंद्र, तारकाक्ष को कठोर तप करना पड़ा इस वरदान को पाने के लिए। वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं। आंखें खोलो वत्स। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहते हो? आपका साक्षात्कार हो गया प्रभु, अब कोई इच्छा बाकी नहीं रही, केवल आपकी भक्ति बनी रहे। तुम्हारी विनम्रता ने हमें मोह लिया है तारकाक्ष, जो मांगोगे वही मिलेगा। क्या मांगू भोलेनाथ? मुझे मुक्ति दीजिएगा। जब भी मुझे मृत्यु आए तो आप ही के हाथों आए। तथास्तु। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, कृपा निधान, मैं धन्य हो गया। वत्स तारकाक्ष, मुक्ति तो मृत्यु के पश्चात ही मिलेगी। मृत्यु आने तक जीवन सुख के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हमसे मांग लो। हे महादेव, जीवन सुख तभी प्राप्त होगा जब यह जीवन रहेगा। अतः प्रभु, आप मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। हे भक्त वत्सल कैलाशपति, मैं तीनों लोकों में अपना अधिपति स्थापन करना चाहता हूं और इस कार्य के लिए मैं तीनों लोकों में तीन अभेद पुर बसाना चाहता हूं। हे भोलेनाथ, हे कृपा निधान, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी इस त्रिपुर में प्रवेश न कर सके। मेरा यह त्रिपुर कहीं भी भ्रमण कर सके। मैं इस त्रिपुर के कारण सदा के लिए अजेय रहूं, सुरक्षित रहूं। हे देवाधिदेव, मेरे इन त्रिपुरों का कोई भेदन न कर सके। कोई भी नहीं सिवाय आपके प्रभु। तथास्तु। त्रिपुर है स्वर्णपुर, चंद्रपुर और ताम्रपुर। ये कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं वत्स। इनके कारण तुम अजेय होगे। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। देवेंद्र, इस प्रकार तारकाक्ष अजेय है। नारायण 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 नारायण।
वो देखिए तारकाक्ष आ रहा है। विद्युन माली और विशालाक्ष, इन दोनों की असफलता के बाद तारकासुर ने तारकाक्ष को कुमार कार्तिकेय का अपहरण करने के लिए भेजा है। देवेंद्र, अब हमें सतर्क रहना चाहिए। हम सतर्क रहेंगे अग्निदेव, हम तारकाक्ष की कोई भी चाल सफल नहीं होने देंगे, हम इसका वध करेंगे। किस पर हंस रहे हो भार्गव? मैं तो देवेंद्र की मूर्खता पर हंस रहा हूं। मूर्ख तारकाक्ष के वध की मृत्यु की कल्पना कर रहा है। देवी गंगे, तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रसन्न तो इसलिए हूं कि मुझे साक्षात्कार हुआ है। प्रभु का? नहीं, तुम्हारे प्रभु का नहीं, मुझे तो तारकाक्षी सफलता का साक्षात्कार हुआ है। आप तो महाज्ञानी हैं, आप तो जानते हैं साक्षात्कार केवल सत्य का होता है, असत्य का नहीं। साक्षात्कार सर्वशक्तिमान प्रभु की शक्ति का होता है, प्रभु की प्रभुता का होता है, परंतु यहाँ तो आप तारकाक्ष की सफलता का साक्षात्कार कर रहे हैं, जो भ्रमित हो सकती है। नहीं नहीं, तारकाक्षी सफलता भ्रामक नहीं, तारकाक्ष सफल होगा यह सत्य है, असत्य नहीं। भार्गव, अब आप भी स्वप्न देखने लग गए। गंगे, ये स्वप्न नहीं है, ये वास्तविकता है, वास्तविकता। देखो देखो, तारकाक्ष को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा देवेंद्र भी नहीं। तारकाक्ष की रक्षा साक्षात महादेव शिव शंकर कर रहे हैं। देवी गंगे, देवेंद्र वज्र से तारकाक्ष का घात करना चाहता है, परंतु तारकाक्ष का घात नहीं कर पाएगा। हे शिव शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। हे शिव शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए।